स्वजातीय बंधु जय माँ मथुरा सिंह। मौरी विवाह संवाद यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। स्वजातीय बंधुओं, आपसे बहुत बार पूछा गया होगा कि आप किस जाति के हो, तो हम लोगों ने कहते हैं कि मौरी हैं। सामने वाला बोलता है कौन सा मौरी, तो हम बता देते हैं कि बनिया है। सामने वाला फिर सवाल करता है कौन सा बनिया, हम लोग बोलते हैं वैश्य बनिया। मतलब अगर मिला जुला करके बोला जाए तो सामने वाले को हम लोग संतुष्ट नहीं कर पाते हैं कि हम मौरी हैं क्या, बनिया में क्या हैं। तो इसके लिए सबसे सर्वप्रथम तो हमें जानना होगा कि हमारा इतिहास क्या है, जिसके लिए हमारे मौरी विवाह संवाद के पूरी टीम ने छानबीन कर निकाला है। जो वो इस तरह है, वैश्य जाति की उत्पत्ति आज का विषय है, वैश्य जाति की उत्पत्ति। सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि वैश्य जाति क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई है। तो आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को, स्वजाति बंधुओं, वैश्य जाति की उत्पत्ति क्या है। सर्वप्रथम यह समझें कि वैश्य क्या है। वैश्य वन कर्म में एक वन होते हैं वैश्य। वैश्य के रोग के मामले में वरिष्ठ द्वारा वास्तु सिस्टम का विस्तार हुआ। इस विज्ञापन में प्रधान से किसान, पशुपालन और विज्ञापन में शामिल है। उत्पत्ति, अब देखिए यहाँ मैं बताता हूँ वैश्य शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ। विश्व से विष लिया गया और पूरे विश्व से लिया गया, मिला करके वैश्य बनाया गया। तालिका से प्रजा, मतलब पूरे विश्व की प्रजा को वैश्य कहा जाता है। द्वार्थ की दृष्टि से वैश्य यह शब्द पैदाइशी भाषा से है। ओडियो अर्थ बसना है। मनुस्मृति के मुताबिक वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के उदर मतलब पेट होता है, पेट से हुई है। जन्म से जन्म और विष्णु के समान वन वाले वैश्य कहलाए, मतलब विष्णु के जो वंशज हैं उसे वैश्य कहा गया। और शंकर जी के जन्म के बाद से वो यक्ष कहलाए। आज ही ब्रह्मांड वन की माँ सरस्वती विद्या की देवी है। ब्राह्मण कुल में जन्मी माँ सरस्वती और वैश्य वन में जन्म ली है माँ लक्ष्मी, जो धन की देवी है। क्षत्रिय में माँ दुर्गा ने जन्म लिया था। देशी कौन से वाली को पूजे जाते हैं। वैश्य वन का इतिहास, तो वैश्य वन में हमारे कुल जो हैं वैश्य में 126 जातियाँ आती हैं। सर्वप्रथम आप ये समझ लें कि 126 जाति जो है वन में कौन कौन से वैश्य में आते हैं, मैं उनका नाम बता रहा हूँ। आज का वीडियो मैं कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से आप लोग बोर हो जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। अब जानें कि वैश्य में हमारे जो है पूरे विश्व में, मतलब अभी तो भारत ही कह रहे हैं ना, पूरे भारत में 126 जातियाँ हैं जो मौरी वैश्य में आते हैं। उनका नाम कौन कौन से आते हैं मैं बताता हूँ। मधेसी वैश्य, रोंगनिया वैश्य दो नंबर में, रणियार वैश्य दो नंबर में, तीन नंबर में रणियार वैश्य, तीन मतलब रणियार वैश्य में तीन भाग हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। दूसर वैश्य समाज में दो वैश्य हैं, ठीक है। दूसर वैश्य समाज कब हुआ था, दूसर वैश्य समाज के कुल तीन हैं, ठीक है। इतिहास, मध्य वैश्य, भौरी वैश्य, कलवरा वैश्य, कलवरा में तीन वैश्य हैं, 11, 12, 13, 1, 2, 3, तीन वैश्य हैं। पटेल, गनीना तेली है, जिन्हें तेली बोला जाता है, कर्नाटक के हैं। गनीदा, गांडाल कर्नाटक से हैं, मैंने कर्नाटक के लोग जो है गांडाल के में हुए हैं। पटवा,
महेश्वरी वैश्य में है, सब वैश्य में आते हैं। महेश्वरी वैश्य में पांच भाग हैं, पांच वो लोग जो हैं वो महेश्वरी वैश्य कहलाते हैं। चौरसिया वैश्य में आते हैं, पुरवाल वैश्य में आते हैं, पोवल वैश्य में आते हैं, सरावगी जैन वैश्य में आते हैं, अग्रवाल जैन वैश्य में आते हैं, ओसवाल जैन वैश्य में आते हैं। ओसवाल जैन में फिर यहाँ तीन बार हैं, तीन ओसवाल जैन हैं। कंकु वैश्य, कानू वैश्य, देखिए अब यहाँ पे एक मिलता जुलता है, यहाँ पे कानू वैश्य एक अलग है और माहौली में जो आता है वो कांदवे खाता होता है। कानू वैश्य उसके नीचे में आता है माहौरी वैश्य, ये दोनों 33 और 34 नंबर में है। कानू वैश्य, माहौरी वैश्य। सिंगुरिया या कैश बनिया वैश्य, वैश्य वाणी महाराष्ट्र से है, कर्नाटक से। उमरिया वैश्य, उनऊ साहू वैश्य, कपाली वैश्य बंगाल से है, बंगाल से जो वैश्य हैं वो कपाली वैश्य हैं। भोंद बनिया बंगाल से है। मथुरा वैश्य एक नंबर में, मथुरा वैश्य गोत्र दो नंबर में, मथुरा वैश्य गोत्र तीन नंबर में। बनिया चटियार तमिलनाडु से हैं, बनिया वैश्य जो बने हैं, चटियार जो लिखते हैं वो तमिलनाडु के हैं। खिदिर वैश्य गुजरात से हैं, चटियार तमिलनाडु के। केसरीवान वैश्य जो हैं, केसर रवानी खत्री, बोहरा वैश्य, कपोला वैश्य, मोढ़वा वैश्य, एक वैश्य, आंध्र वैश्य, बर्नवाल वैश्य, हलवाई या मोदनवाल वैश्य, अस्थि वैश्य, रस्तोगी वैश्य, सस्तोगी वैश्य, विजय मार्ग वैश्य, विजय वर्गीय वैश्य जाति दो, विजयवाती वैश्य। समाज का गोत्र का विवरण मैं पूरे का ही दूंगा, 126 खाते का, लेकिन अगले वीडियो में मैं दूंगा। अभी मैं केवल वैश्य जाति में जो जो जाति आते वही बता रहा हूँ। खंडेलवाल वैश्य, साहू, आप देखिए माहौली में एक खाता होता है साहू, और यहाँ एक है साहू तेली में जो आता है। अग्रवाल एक, अग्रवाल दो। लोहान, देखिए लोहान एक अलग जाति है और लोहानी हम लोगों में खाता होता है माहौली में। अरोरा अगहरी वैश्य, सोनवाल सियारे वैश्य, कमलापुरी वैश्य, गोहिया वैश्य, मध्यला वैश्य, धांची वैश्य, कानू वैश्य, कंकनी वैश्य, चौसनी वैश्य, महाजन वैश्य, महाजन वैश्य दो, भानुशील, नवरत्र वैश्य, महावर वैश्य, उनऊ साहू वैश्य, कसुंधिया वैश्य, कौंधन वैश्य अयोध्या के हैं। वैष्णव खमरा, माहौरी वैश्य, उमर वैश्य, वाणिज्य वैश्य, भनोदा वैश्य, श्रीमाल वैश्य, नेमा जैन सोसाइटी सुधी, सौंदर्या सुर वैश्य, सुनर सोने के काम करने वाला वैश्य, सोनार भी वैश्य में ही आता है, कुमारत वैश्य, जांगड़ा वैश्य, पुतली वैश्य बनिया, पुतली वैश्य जो है बनिया में आता है, शंभू वैश्य, सुनवानी वैश्य, जैन वैश्य, बगरवाल जैन वैश्य, भावरा जैन वैश्य, चतुर जैन वैश्य, गण और सुगण जैन वैश्य, एकलियार जैन वैश्य, हमद जैन वैश्य, हमद जो है जैन वैश्य में आता है, जैन जाति में है, नरसिंहपुर जैन, ट्वीट जैन, वानिया जैन, गवारा वैश्य, ग्वाला भी जो है वैश्य में जाता है, वैष्णव खम्मर वैश्य, गुजर, नेमा वैश्य सोसाइटी, भाटिया वैश्य, जायसवाल वैश्य, अय्यर वैश्य, भाटिया महाजन, अग्रहरी सिक्का, नागर वैश्य, गुरूर वैश्य, लाल बनिया, खदित वैश्य,
कोंगू बेलारी से सुंडी सुनीर बैस शाह बैस शाह बैस वैश की सूची, वैश की सूची मैंने बता दी है। अब अगले वीडियो में आप इनके गोत्र जानेंगे और 126 खाते 126 जो मैंने वैश जाति के बताए 126 जाति, मैं उनके गोत्र बताऊंगा जिनके क्या गोत्र हैं, और माहरी जाति के बताऊंगा अगले वीडियो में, हो सकता है कल का वीडियो में या परसों की वीडियो में बताऊंगा कि माहरी जाति में सप्त ऋषि से 14 खाते किस तरह बन गए। जब ऋषि साथ थे तो हमारे पूर्वज जब ऋषि साथ थे तो खाता भी साथ होना चाहिए था, 14 खाता कैसे बन गए, कहाँ पे किसके पूर्वज से किस ऋषि के पूर्वज से ऐसा हुआ है कि 7 खाता 14 खाता हो गया और किस तरह हुआ है, इसका मैं विस्तार से अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। जय माँ मत्स्यराशि। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया जा करके माहरी विवाह संवाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी जानकारी चाहिए हो आपको माहरी से, माहरी की कोई भी जानकारी चाहिए हो आप कमेंट में पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा वीडियो बना करके, ताकि पूरे माहरी समाज को जान सके आपके दिए हुए सवाल को महत्वपूर्ण। इसलिए जो भी आपके दिल में जानकारी हो, जो भी जानना चाहते हो, वो भी कृपया आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आए आकर के वहाँ